हमारा पूरा मॉडल पूरे जनपद में एक समान और एक साथ लागू किया है। हमारा ये भी एक यूनिकनेस है, दुई गांव वाला नहीं है, हमारे 470 गांव दुई गांव ले लेते नहीं, एक समान और एक साथ पूरे जनपद में हम लागू करते हैं मॉडल बनाने का, यही हमारा यूनिकनेस है। और सबसे बड़ी बात है जन सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन, हमने सबको साथ लिया और इसके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, और पानी के सभी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पौधा हो, सभी स्टेक होल्डर हैं, हमने सबको इसमें साथ लिया है और सबकी जन सहभागिता है, सबकी सबका कंट्रीब्यूशन है। और जो अहम बात होती है कि कोई काम करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि पैसा चाहिए, नहीं शुरू होता है पैसा चाहिए, हमने किसी से कोई पैसा, हम बीसियों काम कर रहे हैं, कोई किसी से पैसा नहीं, हम तक सुभाष पालेकर साहब को बजट लेस खेती करते हैं, मेरा टोटल सिद्धांत है मैं बजट लेस गवर्नेंस करता हूँ और गवर्नेंस के आगे गुड जोड़ने की कोशिश करता हूँ, बजट लेस गुड जो हमने किसी में पैसा नहीं लिया, कन्वर्जेंस आप इसको सेल किया, आउटकम क्या रहा, ये तो बात हो गई, हमने इसको डिफरेंटली ट्रीट किया। हमारा आउटकम क्या है, आउटकम क्या है कि हमारा जब डीएम साहब का मुद्दा बना तो धीरे धीरे अगर डीएम साहब का दर्द है तो वो दर्द मैंने सबको बांटा, अगर हमारा ये मुद्दा बना तो ये सबका मैंने मुद्दा बनवाया, और कैसे बनवाया अभी पीपीटी में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जब ये मुद्दा बना और मुद्दा अगर मैंने ऑन किया, मुद्दा बनाया ऑन किया, तो इसमें जितने भी लोग हैं उनका ये मुद्दा बना और उन सभी लोगों ने ओनरशिप ली। पहले क्या होता था, जब तक हम लोग इस पर काम नहीं करते थे मेरे आने के पहले, पानी की समस्या तो उनकी है, गांव वालों की है, अधिकारियों की है, और समाधान किसकी है, डीएम साहब का, पानी नहीं ला तो चलो डीएम साहब का घेराव कर दो, रोड जाम कर दो, ये कर दो, ये जो कॉन्सेप्ट था इसको हम लोगों ने तोड़ा। अगर समस्या पानी की आपकी है तो समाधान आपका है, मैं समझाता कैसे हूँ, एक लाइन, भाई आपको पानी चाहिए, पानी कहाँ मिलता है, कुआं तालाब और नदी में, कुआं तालाब नदी कहाँ है आपके गांव में, तो अगर 50 किलोमीटर नरेंदी में गांव हो वहाँ पानी की समस्या है तो समाधान कुआं तालाब नदी आपके गांव में, वहाँ जाकर के उसको ढूंढो, आप बिला वजह 50 किलोमीटर यहाँ आते हो, बात समझ में आती है, तो समस्या हमारी और समाधान हमारा, ये हम समझाने में कामयाब काफी हद तक हुए हैं। पहले क्या था, समस्या गाँव वालों की और समाधान डीएम साहब के यहाँ है, ये जो कॉन्सेप्ट था ये ठीक नहीं था। तीसरी बात, तीसरा आउटकम हमारा क्या निकला, वाटर कंटेनर, पानी के रखने की जब तक जगह नहीं बनाएंगे तो बरसाती पानी आप कहाँ रखेंगे, और बरसाती पानी रखेंगे नहीं तो 8 महीना पिएंगे कैसे, पानी रखने के लिए आपको क्या चाहिए, कुआं तालाब और नदी, कुआं तालाब नदी से और इनको जोड़ा, इनका रिमैरेज कराया और वाटर बॉडी के की संख्या और इनकी पानी धारण क्षमता, मतलब वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी एंड देयर नंबर की है, ये कोई लुका छिपा नहीं है और ना हम झूठ बोलना चाहते हैं ना बोलेंगे। जल स्रोत कुआं नदी के प्रति लोग क्या करते थे, आदर सम्मान का जो भाव पुराने जमाने में हुआ करता था, कुआं तालाब नदी उसमें कूड़ा फेंकने लगे, मीनिंग देयर भाई कि हमारे मन में कुआं तालाब और नदी जो वाटर बॉडीज है भगवान की दी हुई उनके प्रति हमारे मन में जो आदर भाव का मान था वो खत्म हो गया। इसको हमने रिवाइव किया, पूजा करके, अगरबत्ती जला के, दिवाली करके, और जब एक बार आदर सम्मान का भाव उनके मन में जगा तो अब वो नुकसान नहीं करते, पूरा नहीं देखते, पाटते नहीं, अतिक्रमण नहीं करते, हमें नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल राम राज आ गया है, उसमें गिरावट आई, बस मेरा इतना कहना। और हमारा ये कंप्लेन जन आंदोलन का रूप ले रहा, ये जन आंदोलन बना नहीं है, करीब 30% तक मामला बन गया, अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने 3 क्षेत्र में काम किया, ये पीपीटी वैसे दिखाने में तो सब रहता है। पहले जब हम आए तो 6 अक्टूबर 2018 को हम एक दर्द लेके इस जनपद में आए थे, जब मैं बात रहता था तो टाइम्स ऑफ इंडिया दैनिक जागरण पढ़ता था कि वो फटी फटी जमीन दिखाते थे, पानी की क्राइसिस, तो हमने कहा ये पानी की क्राइसिस कौन दूर करेगा, गाँव में प्रधान जी दूर करेंगे, लेखपाल जी दूर करेंगे, सचिव साहब, तीनों की बैठक बुलाई और एक मोदी जी हमें आईपीएस अफसर मिल गए, इनको कहते हैं जल गुरु, इनको बुलाया तो हमने कहा पहला शब्द इनको पानी इनके दिमाग में डालो, अभी ये पानी मुंह में डालते हैं क्या, तो ये जो हमने शुरुआत करी लोगों के दिमाग में हमने पानी डाला, क्या डाला, ये पानी डालने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है ये जो
हमारे मोदी जी हमने कहा देखो हमारे पास पैसा वैसा नहीं, हम गरीब टाइप के डीएम है क्या, हम पैसा मांगेंगे मुझे कोई देगा नहीं, गरीबी में आटा गीला होता बताओ इसमें काम कैसे चलेगा क्या। इन्होंने कहा खंती खोदो, ये मेरे समझ में आया मैं किसान करेगा मुझे। इन्होंने कुआं और तालाब और ये सब के किनारे नल और नलकूप के किनारे खंती खोदिए, पानी आएगा जाएगा हो जाएगा, वो आसानी से मनरेगा से हमने करा दिया। हमने खंती खोदी और देखिए मैं इसकी डाटा पे नहीं जा रहा हूँ, इतना किलोलीटर पानी कंटेनिंग क्षमता हमने बढ़ा दी क्या, इतना लीटर पानी जैसा हम लोग बाल्टी खरीदते हैं भाई खाली मक्का जगह ये सब खरीदते पानी रखने के लिए, हमने जमीन में इतना इतने किलो लीटर का मग्गा बना दिया या बाल्टी बना दिया। गोमती नदी किनारे बसा है, यही उससे ताकत है, कानपुर का विकास क्यों हुआ इसलिए हुआ। अब हमारा आगला है कि 30 गांव को मॉडल बनाना है, अब हमने इसमें अपनी कवायद शुरू कर दी है, इसमें एजेंसी ढूंढ रहा हूँ, आज एजेंसियों को पत्र लिख चुका हूँ और इसमें हमारा वे फॉरवर्ड क्या, हम आगे क्या करेंगे। ये तो जो ये आरती वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे वो संगम पे हम कर रहे हैं जमुना में, वहां पर गया राउंड लिया, वहां लोगों को जगा रहा हूँ, आरती को कैसे, ये आरती है मेरे जाने के बाद ये टूटे ना, इसको कैसे टूटना, तो वहाँ सोलर लाइट लगा रहा हूँ, रोज कुछ ना कुछ, लेकिन हम करवाए बात पैसा है नहीं, दो चार रुपये इकट्ठा करते हैं बत्ती लगा देते हैं, फिर कुछ करते हैं बत्ती गाड़ी लेते हैं, इस तरह से धीरे धीरे इंक्रीमेंटल कर रहे हैं। हमने अगला हमारा वे फॉरवर्ड है 130 गांव को कैसे गोमती नगर या लखनऊ को कानपुर बनाया जाए, ठीक है। इसलिए ये कह रहे हैं कि गांव गांव में हम लोग जाएंगे और इस पर काम करेंगे और 130 गांव में इसको करेंगे। फिर ये लोग बता रहे साहब क्योंकि देखो ये भूजल और ये जल जब जो दिखता है वही दिखता है, तो अभी तक तो हम लोगों ने दिखने वाला काम किया नहीं, और जब दिखा नहीं इसके सर ये मुहावरा यहाँ फेल हो गया, हमारा दिखा नहीं फिर भी बिक गया क्यों, हमारा दिखा नहीं फिर भी विद्या मुहावरा यहाँ तो फिर साल लगता है। एनीवे आप लोगों ने कहा कि ये जो नदियों की टेरिटरी है एक चंद्रावती है ढूंढ के लाए हैं कि इसको ठीक किया जाए कुछ है, तो अब हमारा वे फॉरवर्ड फोर है क्या, कैसे आरती को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, जिसका घर से कोई लेना देना नहीं, जल और जलवायु के प्रति आदर सम्मान का भाव पैदा करना, नई चीजों को आज के दिन में उसको पैकेज करना मार्केट करना वो भी उतना ही जरूरी है। तो इनका वीडियो किसी ने मुझे भेजा था, मैंने देखा मुझे अच्छा लगा, फिर उनके कुआं तालाब जिया हो गया, क्योंकि मैं भी एक गांव से आता था, मेरे लिए तो कुआं तालाब ही सब कुछ होता था, तो हमने भी सब कुएं तालाबों के इर्द गिर्द ही अपना बचपन काटा था, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर भी मैंने कि सोचा छुट्टी का दिन था, तो वैसे डीएमएम साहब लोगों को फोन करते हुए बहुत डर लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, हम लोगों को भी लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि पीएम सीएम और डीएम तीन लोग तो इंडिया में इम्पोर्टेंट होते हैं, हम तो जब बहुत कमिश्नर भी बन गए ना, तो अपने गांव जब जाते थे तो लोग कहते थे अरे वो डीएम साहब आए हुए हैं, तो इसलिए नहीं है, चाहे आप भारत सरकार में सचिव बन जाए कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाए, आपकी पहचान तो जो डीएम साहब में रहेगी वो दूसरी नहीं रहेगी। फिर मैंने एक दिन फोन किया इनको, एक तो दिक्कत यहाँ बड़ी होती है कि मैं तो कहीं से घूम ढूंढ डांट के मैं 100-200 लोगों के नंबर सेव किया हुआ डीएम के, पर सब में जो एक सीयूजी नंबर होता है ना वो नंबर अधिकांश डीएम जो है यूज़ करते ही नहीं है लगता है, वही दूसरे नंबर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने इनको एक दिन फ़ोन किया, कहा कि भाई बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो इन्होंने बातें बातें की, अच्छा ही लगा मुझे, जैसे इनकी जो एक इनिमिटेबल स्टाइल है उस स्टाइल में हमसे बात की, फिर उन्होंने मुझे निमंत्रण भी दे डाला कि आप आएंगे, मैंने कहा हाँ भाई आएंगे। जैसे इस बार शनिवार आया तो वैसे ही मैंने शनिवार रविवार को देख के एक शनिवार रविवार में आया, जैसा इन्होंने बताया कि भी मेरे इनके साथ में कई जगह गया, कौन सा गांव है जखनी भी गया जिसको जल ग्राम के नाम से पांडे जी है उनके यहाँ भी गया और कई जगहों पे गया, तो और इन्होंने साथ मेरी जगह हर जगह लोगों से बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हर जगह यही बोलते थे कि भाई मैं तो आपको कुआं तालाब खोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि पहले आपके दिलो दिमाग में कुएं और तालाब खोदूं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा मुझे लगा कि नहीं दिलो दिमाग में जब तक कुएं नहीं खोदेंगे तब तक धरती पे भी हम कुएं तालाब नहीं खोदेंगे। और इन्होंने बड़ी बात की जिसको मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि भाई हम तो हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश ऐसा देश रहा है जहाँ जल को जल्दी मानते रहे, कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो परंपरा खो गई, कहीं ना कहीं हमारी दिक्कत क्या है ना, हमारा डेवलपमेंट हमारी मॉडर्निटी का आज के दिन में कोई डेफिनेशन बदल गया है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो क्या सस्टेनेबल होगा क्या, वो भी एक बड़ी चिंता की बात विषय हो रही है। तो मैंने देखा कि भाई सबसे पहला जरूरी है कि लोगों को जोड़ा जाए, नदियों को जोड़ने से पहले ये जरूरी है कि जन जन को नदियों से जोड़ा जाए,
हम तो दिक्कत हो गई कि हम नदियों से जुड़े नहीं है, हम खुद ही अगर नदियों से नहीं जुड़ेंगे तो हम नदियों को क्या जोड़ेंगे आपस में। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा, जैसा कि इन्होंने बताया, मैं तो रात के 2 बजे तक पानी पे भी मतलब कवि सम्मेलन हो सकता है, पानी पे भी मुशायरे हो सकते हैं, तो मुशायरों का दौर और कवि सम्मेलन का दौर रात के 2 बजे तक चला था, तो उसके बाद से ही था। तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा लगा, ऐसा लग रहा था, एक दो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंट से यहाँ के भी एक जो डीएम बैठे हैं उनके साथ भी किए थे, हमने सबको कहा, हमने बहुत सारे डीएम को व्हाट्सएप मैसेज एक बना के भी भेजे थे कि भाई अगर पानी पे अच्छा आप काम कर रहे हैं तो हमें ये बताइए, हम अपने फेसबुक पे, हम अपने ट्विटर पे डालेंगे। एक जल शक्ति समाचार रोटी आता है शाम को 6:50 से 7 बजे तक, और सुबह में उसका रिपीट टेलीकास्ट है हमारे ख्याल से 7:50 से 8 तक आता है। हमने बहुत सारे लोगों को कहा कि भाई उसमें भी आप अपना वीडियो या जो भी अच्छा काम किए डालें। तो मेरे एक मन में आया कि ठीक है, इंडिया में तो 700 जिले हैं करीब, और 700 जिले ऐसा संभव नहीं है कि हम सब जगह जाके सब लोगों से बात कर सकें। तो मुझे लगा कि जब स्टेट में बड़ा मुश्किल है, स्टेट में अगर आपके जिले में, आपके स्टेट में 75 के कितने जिले हैं, अब उतने जिलापालों को बुला लिया जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुला लिया जाए और वहाँ कोई बात जो है वैसी नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगा कि शायद एक यूनिट है, तो मुझे लगा कि डिजिटल कमिश्नर से रिलेटिवली थोड़ा लेस वर्क भी होते हैं, मेरे ख्याल से हमारे स्टेट में तो ऐसा ही होता था, और वो चाहे तो जो इंटरेस्ट ले तो कई सारी चीज़ों में वो काफ़ी कुछ समय दे सकते हैं, बाकी लोग थोड़ा ज़्यादा दौड़ते रहते हैं। तो फिर हमने सोचा कि डिविजनल लेवल पे कुछ शुरू किया जाए, तो अभी पहला ही हमने अभी हाल में ही आपके सहारनपुर में, 3 जिले हैं सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, तीनों हमारे लिए बड़े क्रिटिकल हैं, सारे के सारे ब्लॉक ऑलमोस्ट जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड या क्रिटिकल हो चुके हैं, 5 को छोड़ के 25 में से नदियाँ, जैसे मैंने बताया नदियों में पानी का प्रवाह ही नहीं रहा है, जो प्रवाहित भी होता है वो बिल्कुल वो वहाँ के लोग अब इतने बीमार होने लगे हैं, इतने केसेस कैंसर के आने लगे हैं। और एक बार मैं दूसरे बागपत और मेरठ डिस्ट्रिक्ट में गया था, वहाँ अगर आप हैंडपम्प का पानी आपको अगर भर लीजिए आप किसी बॉटल में, ट्रांसपेरेंट बॉटल में, तो आपको पानी नहीं दिखेगा, लगता है कि शायद इसमें किरासन भरा हुआ है। तो मैंने एक सहारनपुर में किया, फिर मैंने आपके डिविजनल कमिश्नर साहब से भी 2-3 बार बातें की, हमने कहा कि चलिए कम से कम कोशिश करेंगे। मेरा तो पहले उद्देश्य था कि 3-1 उधर के डिवीजन जो हमारे लिए थे, जैसे सहारनपुर हुआ, अगला मैं 4 तारीख को करूंगा मेरठ में, एक हमने बरेली और मुरादाबाद के लिए ये सोचा है, और एक इवेंट झांसी के लिए सोचा है कि बाकी झांसी के 3 जिले बच गए। तो मुझे लगा कि ये थोड़े मुझे ज़्यादा क्रूशियल जगह लगी, तो हमने कहा कि कम से कम ऐसी बातें करें। अब आप बहुत सारे लोग आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा पानी से जुड़े हुए नहीं भी होंगे, या कम से कम मुझे ऐसी आशा है कि चलिए पानी में तैरिए ज़्यादा अच्छा है, तो नहीं अच्छी बात है। तो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे है ना कि ऐसी चर्चा होती है तो कुछ ना कुछ नया जानने सीखने का मौका मिलता है। तो हम तो मान नहीं सकते कि हम 3 घंटे में इतने सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता पाएंगे, लेकिन जो बात है कि जो मैंने कहा कि जन जागरूकता सृष्टि करनी है, पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट करना है, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम इंग्लिश में कहते हैं, तो भाई पहले उसकी शुरुआत तो अपने आप से करनी चाहिए। तो आज जो यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर बैठे हैं, डीएम बैठे हैं, सीईओ बैठे हैं, बाकी भी जो लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो पानी की प्रति यहाँ से जाएंगे, जितनी सचेतनता लेके आए थे उससे मुझे लगता है कि थोड़ी और सचेतनता लेके जाएंगे। और मुझे लगता है कि हम सबों को, हम तो हमेशा मानते हैं कि एडवर्सिटी एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब आपको बहुत सारे लोग यहाँ होंगे जैसे कहाँ हमको पोस्ट कर दिया बुंदेलखंड में, बहुत दूर है, पानी की दिक्कत है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे इंटरटेनमेंट के साधन नहीं है, अब पास में बड़ा मॉल नहीं है, वैसे तो हर जगह अभी सारी सुविधाएं होने लगी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैं स्टेट के लिए पानी अगर सबसे बड़ी प्राथमिकता हो गई तो अपने आप काफ़ी कुछ काम हो जाएगा। डीएम का एक ऐसा ऑफिस होता है कि भाई डीएम चाहे, जैसे आपने देखा है डीएम साहब जो इंदिरा गांधी हैं, यहाँ पे उन्होंने जब कुआं तालाब अभियान की शुरुआत की और जो उन्होंने नारा दिया कि कुआं तालाबों में पानी लाएंगे, बांधा को खुशहाल बनाएंगे, तो उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली, लोग भी जुड़े। और जो हमेशा बात होती है, जो पूछते हैं कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, नहीं स्कीम बने बिना कहीं बाहर के पैसे से, जो पैसा जो सरकारी प्रोग्राम में अवेलेबल था, जैसे मनरेगा का पैसा हो, खेत तालाब का पैसा हो, PMKSY का पैसा हो, ग्राम पंचायत की निधि हो, या लोगों का सहयोग, ये भर गए हैं और अगली बरसात के बाद और भी भरेंगे।
तो इन सब पे चर्चा हुई। साथ में हमारी एक चर्चा और भी हुई कि हमने भारत सरकार की तरफ से पिछले 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई है जिसका नाम है अटल भूजल योजना। भूजल का अति दोहन, भूजल हर जगह स्तर गिरता जा रहा है और जैसे कि आप सब जगह पढ़ते हैं सुनने को मिलता है, तो कैसे इस भूजल के गिरते स्तर को रोका जाए थ्रू पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट। एक होता है कि हम सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसकी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन खर्चा को घटाने का, पानी के खर्च को घटाने का, पानी के सही उपयोग के माध्यम से कैसे किया जाए उस पर है। और दूसरा है कि लोगों कैसे जोड़ा जाए। अभी तक हमारे जनरली हम कहते हैं ग्रास रूट प्लानिंग, लेकिन होता क्या है कि अधिकांश स्कीम जो है वो ऊपर से आती है और नीचे की तरफ जाती है। तो इसमें जो अटल भूजल योजना है उसमें हमारी ये है कि प्लानिंग सारी नीचे लेवल पे हो, लोग खुद ही करें। जैसे बरसात कितनी हुई वो दूसरा कोई ना मापे, गाँव से लोग ही मापे। कितना पानी वो निकाल रहे हैं ट्यूबवेल से कोई दूसरा ना मापे। अगर वो फ्लो मीटर है तो फ्लो मीटर की रीडिंग लोग खुद लें, उसके बेस पे उनको पता चल जाए कि कितना पानी उनको उपलब्ध हो रहा है, कितना पानी वो खर्च कर रहे हैं, तो वो कैसे एक वाटर बजटिंग करें, वो उसके बेसिस पे वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाए और प्लान बनाने के बाद फिर डिमांड साइड सप्लाई साइड मैनेजमेंट कैसे करें। ऐसा नहीं है कि पहला एकदम नया कंसेप्ट है, ऐसे कंसेप्ट में पहले भी काम हो चुके हैं लेकिन छोटे स्तर पे हुए हैं। अभी हाल में इस बार जो है हिवरे बाजार में पोपट राव पवार जी एक सरपंच होते थे, आपने नाम सुना होगा, उनको इस बार पद्मश्री भी मिला। उनके गाँव में केवल 400-500 मिलीमीटर बारिश होती है, कोई बड़ा डैम नहीं बना है, बड़ा कोई कैनाल नहीं बना है, लेकिन उसी 400-500 मिलीमीटर पानी को सही ढंग से उसका नियोजन करके, सही ढंग से उसका मैनेजमेंट करके आज वो ग्राम पंचायत जो है वो केवल पानी पे ही आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि वो एक संपन्न गांव भी बन चुका है। तो संक्षेप में यही आज चर्चा हुई और हमारा ये है कि चर्चा से बहुत सारे लोग इसमें जो जितने भी पानी से जुड़े हुए लोग हैं सबने भाग लिया और हमें आशा है कि जो अच्छा काम अभी हो रहा है वो आगे के दिनों में इस डिविजन में ये चार जिलों की जिनकी हमने बात की है और अच्छा काम भी होगा। मैंने ऐसी शुरुआत की है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के कम से कम डिविजन लेवल पे जो वहाँ के जिले हैं उनको सम्मिलित करते हुए ऐसी पहल की जाए। नियोजन करने के लिए शुरुआत या तो बस्ती के या वार्ड लेवल पर वहीं से शुरुआत करके ताकि ग्राम पंचायत में जो है उसको एकत्रित किया जाए, ना कि उल्टा कि ग्राम पंचायत में योजना बने और हम फिर उसको वार्ड के स्तर पर ले जाए। तो जितना विकेंद्रीकृत हो सकता है उतनी इसकी ताकत है। दूसरा यह है कि जहां भी ये नियोजन होता है भले वो वार्ड के स्तर पर हो, वहां दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है सुनिश्चित करने के लिए। एक की कोई रह न जाए कि जो समता की जो बात है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि लोग रह न जाए। दूसरी जो एक बड़ी ताकत है जो नजर आई है वो ये है कि जहां भी हम लोगों ने महिलाओं की नेतृत्व को मारने के प्रयास किए हैं वहां सफलता ज्यादा हुई। ये पर्याप्त नहीं है कि हम बात करते हैं महिलाओं की सहभागिता की, सहभागिता हमारी जरूरी नहीं होता है कि भाई मीटिंग में इतनी महिलाएं आई तो सहभागिता हो जाता। तो आज अगर हम सहभागिता की बात करेंगे तो हम देखेंगे भाई शायद दो पर सवाल 100 है तो दो ही है महिलाएं, वो भी नहीं है 2% भी नहीं है। तो सवाल यह है कि हमें सहभागिता तक सीमित रखना है या हमें नेतृत्व की बात करनी है।